का दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडोल मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं आज सेशन चालू कर रहा हूँ। लाइव डेमो जो दिखा रहा हूँ मैंने, तो उसका आज मैंने देखूँगा। तो देखते हैं, मैंने पहले फिस तो चार्ट को मतलब मेरा एक्सेल शीट को अपडेट किया था, उसको फिर से अपडेट करना पड़ेगा थोड़ा सा। तो उसके बाद आप लोग को लेवल दिखाऊँगा। तो इसका तो थोड़ा सा इसको अपडेट कर लेता है, उसके बाद ही आप लोग को लेवल को दिखाऊंगा। तो वो देखते हैं और बैंक निफ्टी निफ्टी कितना चल रहा है। निफ्टी अभी चल रहा है 8967, 8968 पकड़ता है, 8968। जा रहा है मार्केट में, आज वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। 8973 गलत हुआ का ना, 8973 चल रहा है। और इधर बैंक निफ्टी चल रहा है 19188। हाई लो जो है वही है, हाई लो मैंने नोट करके रखा है ऑलरेडी। और फ्यूचर्स को मैंने एक बार अपडेट कर देते हैं फ्यूचर्स को एक बार अपडेट कर लेते हैं। ये 19214 चल रहा है, ठीक है। तो और सॉरी, ये तो मैंने गलत कर दिया, 19214। और इधर उन्नीस हजार एक सौ उन्नबे, ठीक है। तो इसको और इसका फ्यूचर, निफ्टी का फ्यूचर जो है, निफ्टी का फ्यूचर 9007 चल रहा है, 9007, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसको मेरा जाएगा कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट कर लेता है, उसके बाद सॉरी इधर भी मैंने अपडेट कर लेता है। कॉपी पेस्ट कर लिया, तो देखते हैं। मैंने हॉल एक लेवल को मैंने एक बार कॉल लूँगा हॉल एक लेवल को। तो देखिए, इधर
जो लेवल्स है ये 8990, ये तो लेवल्स आप लोग को चल रहा है 8973, तो 8990 का उस ऊपर एक इसका बाई आ सकता है निफ्टी इंडेक्स का, ठीक है। निफ्टी फ्यूचर का बाई आ सकता है 9013 का ऊपर, ठीक है। और बैंक निफ्टी का 19231 और 249 फ्यूचर का, और सेल आ सकता है 8909। और मैंने एक ही इंडेक्स करके पकड़ता हूँ, आप लोग फ्यूचर को भी नोटिस कर सकता है, 18901 और 18956, ठीक है। एक ये एक लेवल हुआ है, उसके बाद देखता है भाई सेल लेवल सेकेंड को देख लेता है 8900, 9004 के ऊपर, और 18919 के ऊपर। इसके बाद मैंने सभी लेवल कंपेयर करके बोलूँगा आप लोग को इस लेवल पे बाई करना है या सेल करना है। तो उसके बाद अब इधर 8985, 19206, ठीक है। और इधर मैंने इंडेक्स का बात कर रहा हूँ, आप लोग फ्यूचर को भी नोट कर सकते हैं। 8961 का नीचे इसका सेल आएगा, 8972 के नीचे बाई आएगा, सॉरी नीचे सेल आएगा। और इधर देखता है 8977, इधर 8969, इसके बाद इधर इधर 9041, 9041, 19170, और सेल आएगा 8850, 8903। उसके बाद देखता है ये क्या लेवल दे रहा है, 8993 का लेवल दे रहा है, 8952 का लेवल दे रहा है, और इधर ये दे रहा है 9005, 8941। आप लोग कोई भी एक ट्रेड मान सकता है, लेकिन ये मेरा स्टाइल है। मैंने बहुत सारा लेवल और दो तीन चार्ट सेटअप मैंने कंपेयर करके ही मैंने लेवल्स को कंपेयर करता हूँ। ये आप लोग को पसंद नहीं आ सकता है, कॉन्फ्यूज भी हो सकता है, लेकिन ये आप लोग अपना तरीका से भी कर सकता है। ऐसे करके आप लोग को दिखाता हूँ। तो ये इसका दिखा रहा है 9028, 8917, ठीक है। उसके बाद 8977 के ऊपर वाई दिखा रहा है, और सेल दिखा रहा है 8968, ठीक है। इसका बाई दिखा रहा है 8987 के ऊपर। तो मेरे को एक बार चार्ट को भी देखना पड़ेगा, क्योंकि ये तो चेंज हो गया है, ठीक है। इसको मैंने फिर से अपडेट कर लेता हूँ एक बार। आठ हजार 992 मार्केट में आज वोलेटिलिटी बहुत ही ज़्यादा है, 8992 और 19295, 19257, ठीक है। तो इसका लेवल देखते हैं अभी, जो लेवल मैंने प्रेफर करता हूँ, तो इसका 9006 के ऊपर ये बाई हो सकता है और सेल हो सकता है। 8977 के नीचे इसका भी मैं लेवल देखूँगा, इसका 8954 तो हो गया, 8994, 9013, और सेल का लेवल आएगा 8895 के नीचे। तो देखते हैं, मैंने इस लेवल को एक बार देख लेता है, 9006 को पकड़ता है, ठीक है दोस्तों। 9600 और 19298, ये दोनों लेवल को मैंने पकड़ लेता है। 9006 और 19298 बाई का लेवल होगा, और सेल का लेवल होगा 8977, सॉरी सेल का लेवल इधर से लेंगे मैंने, सेल का लेवल होगा 8895 और 18952, ठीक है। तो नौ क्या लेवल आप लोग दिखाया, बाई का लेवल क्या देखा, बाई का लेवल देखा 8900, 9006,
19 हज़ार 298, ठीक है। और सेल का लेवल देखा है 8,895, 18,952, तो देखते हैं क्या होता है। आप लोग को अपडेट दूंगा जब मैंने थोड़ा सा थोड़ा का आप लोग भी टैग रखे, आप लोग को अपडेट दूंगा। तो आप थोड़ा सा पॉज करता हूँ, इधर से भी मेरा चार्ट सेटअप एक बार देख लेता है। इधर भी तीनों चार्ट सेटअप मैंने जो दिखता है ये इसका ऊपर जाना चाहिए। ये 19,294 दिखा रहा है रेनको चार्ट में। बैंक निफ्टी और निफ्टी 9,000, तेरह के ऊपर यार 9,929 का ऊपर इधर लेवल दिखा रहा है। और दूसरा चार्ट मैंने देख लिया है एक बार, और आप लोग मेरा ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकता है। इसमें आप लोग को चार्ट का सेटअप और ये भी ये आप ट्रेंड ही दिखा रहा है, ठीक है। चार्ट का सेटअप और कैलकुलेशन आप लोग को दिखा दूंगा, इसमें आप लोग को फायदा होगा। तो आप लोग इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर सकता है इसमें। उसके बाद आप लोग को मतलब सपोर्ट भी दूंगा, मतलब करने के बाद। तो आप लोग को ट्रेनिंग जरूर लेना चाहिए। मेरे को व्हाट्सएप में आप लोग कांटेक्ट कर सकता है, कॉल सर्विस लेंगे तो उसको भी आप लोग को कर सकता है। इसका फ्यूचर्स का क्या लेवल लिखा है इधर, इसमें मेरा दो तीन चार्ट सेटअप, बहुत सारा चार्ट का सेटअप मैंने करके रखा है, तो उसको आप लोग बता सकते हैं। सॉरी इसमें तो दिख रहा है इसका फ्यूचर्स का क्या लेवल होगा। फ्यूचर्स का लेवल होगा बाइकर साइड में, फ्यूचर्स का लेवल होगा बाइकर साइड में, फ्यूचर्स का लेवल होगा 9,022, ठीक है। बाइकर साइड में फ्यूचर्स का लेवल होगा 9,022 और 19,295 बैंक निफ्टी का। तो ये 9,027 पकड़ आप लोग इसको पकड़ सकते हैं। फ्यूचर में बाई का लेवल आ गया है, फ्यूचर में आप लोग बाई का लेवल बैंक निफ्टी का भी आ गया है। बैंक निफ्टी का फ्यूचर 295 के ऊपर बाई का लेवल आ गया है। अभी 299 दिन से चल रहा है, या 33, 34, 35 चल रहा है, इधर भी आ रहा है 9,006 के ऊपर। ये इसका लेवल आएगा, इसका लेवल आएगा 9,006 के ऊपर, 9,006 और 19,298। तो देखता है ये तो 19,906 गया नहीं है, अभी तक गया नहीं है, देखता है आने के बाद ही। इसका बैंक निफ्टी का 19,298 फ्यूचर्स को लेवल आ गया है, आप तो फ्यूचर को भी देख सकता है। हाँ, 6 का लेवल आ गया है। इसका नेक्स्ट टारगेट आप लोग को देखते हैं, इसका नेक्स्ट टारगेट जा सकता है 9,021, 9,021 और ये बैंक निफ्टी 19,339, उसके बाद 9,053, 9,071, ठीक है। और इधर 9,022 से 9,038 हो तो 37, 38 तक ऑलरेडी जा चुका है। इधर
9049 हो गया फ्यूचर निफ्टी फ्यूचर। अब लोग देखिए 9022 से 9049 चल रहा है अभी। और बैंक निफ्टी कहाँ से लेवल था, बैंक निफ्टी का बाई का लेवल था 9295 से, अभी 230-331 चल रहा है। तो इसका नेक्स्ट लेवल तो 295 तो हो गया, 380 इसका नेक्स्ट लेवल है, 466 उसके बाद। और बैंक निफ्टी का 22 के ऊपर 38 तो हो गया है, 71 जा सकता है, 9104 भी जा सकता है। तो देखता है अभी 9010-12 चल रहा है, इसका 22 टारगेट है, फर्स्ट टारगेट इसका 22 है। आप लोग मतलब ऐसे लेंगे तो मतलब मेरा ट्रेनिंग सेशन ज्वाइन कर सकता है, तो इसका चार्ट का सेटअप कैलकुलेशन वगैरह सब कुछ आप लोग को दिखा दूंगा। देखते हैं, एक बार पॉज कर लेता हूँ मैंने, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग भी नोट करिए, मैंने जब अपडेट होगा तो टारगेट आ जाएगा तो या कुछ स्टॉप लॉस में जाएगा तो मैंने आप लोग को अपडेट दे दूँगा। तब तक के लिए मैंने पॉज करता हूँ। देखिए दोस्तों, इसका फर्स्ट टारगेट हो गया है 25, ये 22 था फर्स्ट टारगेट 9006 से। और इसका बैंक निफ्टी का जो था 365 चल रहा है, तो इसका फर्स्ट टारगेट था 298 के ऊपर 339, अभी 365 चल रहा है। तो निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट आएगा आपका 9053 और बैंक निफ्टी का 426। और इधर 9053 जाता है क्या नहीं जाता है देखते हैं। और फ्यूचर्स का जो टारगेट है आप लोग तो देख ही सकता है, इधर हाई गया है, इधर हाई गया है, फ्यूचर का हाई गया है 9066 तक हाई गया है। इसका लेवल था 22 के ऊपर 38 तो हो गया, 71 लेवल था, वो 66 तक हाई गया है। और ये 380 का लेवल था, 380। और बैंक निफ्टी का देखते हैं 430 तक ये चला गया था। ठीक है, तो फिर से मैंने आप लोग को अपडेट करके फाइल अपडेट करता हूँ मैंने, उसके बाद फिर से लेवल आप लोग को दिखाऊंगा। तो देखिए मैंने अपसाइड में निफ्टी बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स इंडेक्स और फ्यूचर्स का आप लोग को दिखाया, तो एक लेवल तो आप लोग को अचीव हो गया है, तो मैंने फिर से अपडेट किया हूँ। तो अभी देखते हैं कहाँ पर लेवल्स आता है, मैंने आप लोग को न्यू लेवल्स दिखाऊंगा। तो ये देखिए, ये फिर से 9022 के ऊपर, 9023 ही पकड़िए, 9023 के ऊपर ये बाई हो सकता है इंडेक्स। और फ्यूचर हो सकता है 9076, मतलब 9077 के ऊपर फ्यूचर सेल हो सकता है, 9076.60 मतलब 9077 के ऊपर बाई हो सकता है। और बैंक निफ्टी 19363 इंडेक्स और 19370 मतलब 19363 मतलब 19367 पकड़िए, और इधर 19375 के ऊपर बाई हो सकता है। और सेल जो हो सकता है इधर से तो नहीं लेना, क्योंकि इधर में रिवर्सल नहीं आएगा, आप लोग को टारगेट अचीव हो सकता है। आप लोग इधर से आप लोग देख सकते हैं, आप लोग से प्रॉफिट भी आ जाएगा, आप लोग को एक दो टारगेट आ जाएगा, लेकिन रिवर्सल में नहीं आएगा, तो इसीलिए इधर से सेल का टारगेट इधर से देखना गया है। ये भी आप लोग को ट्रेनिंग, आप लोग ट्रेनिंग लेंगे तो आप लोग को इधर से सब कुछ सिखा दूंगा, आप लोग को सपोर्ट भी मिलेगा कहाँ पर कौन सा। ये 8922 के नीचे सेलिंग आएगा और 8956 के नीचे फ्यूचर का सेलिंग आएगा। बैंक निफ्टी 19059 के नीचे सेलिंग आएगा, 19047 के नीचे फ्यूचर्स का सेलिंग आएगा। तो 9022 में इंडेक्स, ठीक है, 9022 में इंडेक्स 9022 के, ये देखिए गान एक एंगल है, इसका एंगल में चलता है, इसका आप लोग को प्रॉफिट जरूर इस एंगल के जवाब इस के प्रॉफिट में जरूर आ जाएगा, लेकिन रिवर्सल होने के लिए दूसरा कुछ का जरूरत भी होता है।
तो आप लोग इसका सोच लीजिए, इसका 90 डिग्री और 180 डिग्री का आप लोग पकड़ेंगे तो आप लोग को रिवर्सल आप लोग को मिल जाएगा। इधर से आप लोग करेंगे, इधर से भी रिवर्सल हो सकता है, लेकिन इसका जब 90 डिग्री का बाद आप लोग लेंगे तो आप लोग को रिवर्सल ज़रूर आ जाएगा। तो कुछ रूल्स होता है कुछ, मतलब ये तो साइंस है, मतलब आप लोग को ट्रेनिंग सेशन में सब कुछ बता सकता हूँ। तो इसका तो एक एक करके गान, एक एंगल होता है, इसका एक एक एंगल होता है, तो इस एंगल के बाद इस एंगल तो जरूर आ जाएगा। जबकि लेकिन जब रिवर्सल का ट्रेंड कुछ 45 डिग्री या 90 डिग्री या 180 डिग्री का बाद ही आता है, या फिर 15 डिग्री या फिर 60 डिग्री के बाद एक साइकिल कंप्लीट होता है। तो इसीलिए देखिए 9022 और 9076, ठीक है, 9022 और 9076 ये फ्यूचर का लेवल है, बैंक निफ्टी का फ्यूचर, सॉरी इंडेक्स और फ्यूचर बैंक निफ्टी का। और बैंक निफ्टी का 19,363, 19,370, और सेल का लेवल इसका इधर से देख लेता है, सेल का लेवल भी उधर से देख सकता है, इधर से ही देख लेता है 8,922 का नीचे और 8,956 का नीचे, 19,047 का नीचे फ्यूचर, 19,059 का नीचे। तो देखते हैं मार्केट में क्या हो रहा है। चार्ट थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, चार्ट को थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ। चार्ट का सेटअप भी आप लोग को दे दूंगा मेरा इधर से, मतलब रेनको चार्ट में भी है, प्लस इधर जो ट्रेडिंग व्यू का जो चार्ट का सेटअप है, और तीन चार तो चार्ट सेटअप को देख लेना चाहिए। मेरा हिसाब से, आप लोग का हिसाब से कोई बोल सकता है कि चार्ट को प्रैक्टिस कीजिए, फॉलो कीजिए, तो जब आप कोई अच्छा कपड़ा पहनता है कुछ, और आपका बाल ठीक से कटाया, आपको हैंडसम जब लगेगा, तो एक आदमी बोलेगा, दो आदमी बोलेगा, और तीन आदमी बोलेगा, तो आपको कंफर्म, हाँ आपको लगेगा कि हाँ मेरे को हैंडसम लगता है। तो ऐसे ही मेरा मेरा ये स्टाइल है, तो मैं इस स्टाइल से करता हूँ। अभी भी इसका ट्रेंड ऊपर ही है, ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी दिख रहा है, आप लोग मेरे चार्ट से भी मेरा पता चलता है, आप लोग भी इधर से देख सकता है। इधर रिवर्सल अभी तक होने का चांसेस नहीं है, थोड़ा सा ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है। और इधर निफ्टी में भी आप लोग को फ्यूचर्स में का जो चार्ट दिखा रहा है, वो भी इधर से रिवर्सल का, तो थोड़ा सा रिवर्सल दो बॉक्स नीचे आया था, लेकिन इसका क्रॉस ओवर वगैरह जो इसका नीचे आएगा तो ये इसका ऊपर नीचे जाएगा। इधर भी मेरा दो तीन सेटअप करके रखा हूँ, इधर का जो मैंने इस सेटअप क्या बोल रहा है एक बार देख लेता है। आप ट्रेंड में ही है दोस्तों, तो रिवर्सल के लिए थोड़ा सा जो है दूर का लेवल ही जाना पड़ेगा। तो ये देखिए, ये भी आप ट्रेंड में दिखा रहा है, इसका भी आप ट्रेंड दिखा रहा है, और इसका जो लेवल है ये भी देखता है। ट्रेंड का भी देखता है, पर्टिकुलरली मतलब चार्ट का जो लेवल्स जो है वो देखना पड़ेगा। आप लोग किसी भी जाएगा, किसी भी लेवल पे आप लोग बाई लेवल सेल लेवल आप लोग पकड़ सकते हैं, आप लोग को प्रॉफिट दिला जाएगा। लेकिन ट्रेंड रिवर्सल होने से या कुछ इसमें आप लोग को सुविधा होता है, ये भी अभी तक आप ट्रेंड में चल रहा है। मार्केट में वोलाटिलिटी ज़्यादा है, थोड़ा सा मतलब पुल बैक, बहुत जोर पुल बैक आता है, लेकिन जो ट्रेंड जो है वो उसका स्ट्रेंथ जब होगा तो आप लोग को इसका ये स्ट्रेंथ, अभी तक इसका अप ट्रेंड में स्ट्रेंथ का स्ट्रेंथ है, एंड जबरदस्त ट्रेंड ही अप ट्रेंड में है।
तो इसका जल्दी से आप लोग को मतलब रिवर्सल नहीं आएगा। मार्केट में वोलेटिलिटी है, इसी का कारण पुल बहुत जबरदस्त मतलब पुल बैक आ सकता है बीच बीच में। उस टाइम आप लोग को बहुत सारा लोग को मार्केट से आउट भी हो जाता है, लेकिन उसके बाद फिर वो आप जो जिधर ट्रेंड है उधर ले लेते हैं। तो आप लोग ट्रेनिंग के बारे में सोच सकता है, और जो लोग ट्रेनिंग लेने का टाइम नहीं है या ट्रेड करने का टाइम नहीं है वो लोग को मेरा कॉल ले सकता है। आप लोग देख लीजिए, मेरा लाइव वीडियोस देख लीजिए, लेवल्स देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बाद ही आप लोग सोचिए। और ये जो मेरा जो रखा है मतलब एकदम नॉमिनल कॉस्ट में, मैंने चाहता हूँ कि आदमी लोग मतलब आप लोग सीख के इंडिपेंडेंटली ट्रेड कर सकता है। तो इसीलिए क्योंकि ये ट्रेडिंग का जो जो ट्रेड का जो प्रोफेशन है इसका इम्प्रूवमेंट आएगा जितना सारा लोग आप लोग ट्रेनिंग करने के लिए। और इसका आप लोग जो मैंने ट्रेनिंग में जो ऑफर करता हूँ आप लोग को, वो मैंने गारंटी ले देख सकता हूँ कि इसमें इसको आप लोग को कहीं किसी जगह में 60-70 थाउजेंड का नीचे तो नहीं आएगा, 50+ 50 थाउजेंड का ऊपर मिलेगा। वो भी कितना क्वालिटी कैसा होगा, ट्रेनिंग के लिए के आप लोग को कितना फ़ायदा होगा वो भी आप लोग सोच सकता है। और मेरा आप लोग रोज़ आप लोग हर रोज़ आप लोग देख सकता है कि कहाँ पर ये आप लोग देख के ही आप लोग खुद डिसीजन लीजिए। लेकिन आप लोग को जो अच्छा लगेगा आप लोग वॉट कर, तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, आप लोग ट्रेनिंग ले लीजिए। नहीं अच्छा लगता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग को अच्छा लगता है तो ज़्यादा सोच के वक्त टाइम नष्ट मत कीजिए, क्योंकि आप लोग खुद ट्रेड करने जाएंगे और मार्केट को आप लोग पैसा देंगे, तो उससे बहुत कम पैसे में आप लोग को इधर आप लोग को ट्रेनिंग मिल जाएगा। आप लोग उस मतलब सपोर्ट भी मिलेगा, ठीक है। ये 9022, और इधर तो इसका सेल का साइट क्या था, निफ्टी का, निफ्टी का सेल का साइट है। सेल का साइड है 8922, और बहुत देर है। और बैंक निफ्टी का 19059, और फ्यूचर है 19047, 8956। तो देखते हैं, लोग उधर से देख सकते हैं 4 महीने कैसे इधर से नीचे आके इससे ऊपर गया है, जैसे पीछे ऊपर गया है। इस चार्ट में भी अच्छा लगता है, देखने से भी आप लोग को पता चल जाएगा कि कहाँ पर ट्रेंड हो सकता है, किसके बाद क्या लेवल हो सकता है। इस चार्ट में भी आप लोग देख सकते हैं, इस बार लेवल भी आप लोग को मिल जाएगा, कहाँ पर कैसे लेवल सब लोग को होंगे आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा सा पॉज करता हूँ, उसके बाद लेवल आएगा तो आप लोग को अपडेट दूंगा। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं 9022 के ऊपर इधर बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी का बाई का लेवल था, तो ये 9037 तक फिलहाल आ सकता है, उसके बाद 9068 तक। और इधर बैंक निफ्टी का तो अभी तक आया नहीं है, 19363 इसका बाई का लेवल है, ये अभी तक आया नहीं है, आप लोग इधर से देख सकते हैं। ये देख सकते हैं कि मेरा पास 37 इसका फर्स्ट टारगेट है, देखते हैं ये आता है कि नहीं आता है। उसके बाद 9068, उसके बाद 9000, अब लोग फ्यूचर को भी देख सकता है इधर इसके साथ, 9076 के ऊपर इसका था, तो देखते हैं फ्यूचर कहाँ पर गया। हाँ फ्यूचर ना फ्यूचर नहीं, 9076 अभी तक आया नहीं है, 60 चल रहा है, 60-62 चल रहा है।
ये देखिए 31 हो गया, इंडेक्स 31 हो गया, 37 था 33 हो गया, ठीक है 22 से था 34 चल रहा है, 38 हो गया, ठीक है। इसके बाद जो लेवल है 39 चल रहा है, इसके बाद जो लेवल है वो है 68, 9068, 9068, 9068 का लेवल, उसके बाद 9100 का लेवल, और इधर 9091, सॉरी 9076 तो अभी तक आया नहीं है। फ्यूचर का 9161 चल रहा है, और बैंक निफ्टी का 19370 के ऊपर है, वो 301 चल रहा है, और फ्यूचर्स में सॉरी इंडेक्स भी अभी तक आया नहीं है, 363 का ऊपर है। तो निफ्टी का देखिए आप लोग का एक टारगेट के ऊपर चला गया, तो देखते हैं नेक्स्ट टारगेट आता है क्या नहीं आता है, आप लोग ट्रेल कर सकता है। इधर आप लोग कॉस्ट टू कॉस्ट नौ हजार बाईस तक आप लोग ट्रेनिंग के बारे में सोच सकता है। आप लोग को लेवल आप लोग देखिए मेरा जो लाइव डेमो दिखाता हूँ और वाइसल लेवल दिखाता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल्स दिखाता हूँ, इसके अलावा कुछ एडुकेशनल पर्पस पावर ऑफ गन ये सब वगैरह वीडियोस भी आप लोग को दिया है। तो आप लोग को लगेगा कि ये ट्रेनिंग लेना वर्थ है तो टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्योंकि ये आप लोग को बहुत ही इतना सारा चीज़ आप लोग को मिल जाएगा, तो आप लोग को लाइफ टाइम के लिए आप लोग को बेनिफिट देगा। बहुत सारा आदमी को आप लोग देख सकते हैं, वीडियोस भी देख सकते हैं, वो लोग बहुत साल से ये सब लेवल्स के ऊपर काम करता है, तो मेरे पास इतना सारा लेवल्स आप लोग को मिल जाएगा। आप लोग खुद इसका मैंने इसलिए बार बार बोलता हूँ कि ट्रेनिंग ले लीजिए, क्योंकि ये आप लोग को बाद में आप लोग को समझ में आ जाएगा कि ये ट्रेनिंग लेने से आप लोग को 55,000 प्लस आप लोग को गंवाना पड़ेगा, नहीं तो मार्केट का देना पड़ेगा। कॉल सर्विस भी आप लोग ले सकता है, व्हाट्सएप मेरे को व्हाट्सएप कर सकता है। तो दोस्तों मेरा वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, मैंने मेरा आज का सेशन यही से ख़त्म कर रहा हूँ, आधा घंटे का ऊपर हो गया मेरा, मतलब जितना सारा होता है मेरा मतलब नेट का इतना MB उतना चला जाता है, और लोड करने के लिए भी बहुत ही टाइम लग जाता है, तो इसीलिए आप लोग को माफ़ी चाहता हूँ और इजाज़त लेता हूँ आप लोग को। फिर से मैंने आप लोग को निफ्टी और बैंक निफ्टी का लेवल्स का वाइसल और वाइसल लेवल्स दिखाऊंगा, और भी दोनों वीडियो डालूंगा बाद में, तो आप लोग सोचिए और स्टे ट्यून रहिए।